इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो भाई की बेटी क्या बनेगी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखो और भूल जाओ, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिलो दिमाग पर ऐसा गहरा असर छोड़ती है कि आप मरते दम तक भूल नहीं पाओगे। ऐसी फिल्में जो आपको अंदर से झकझोर दे, ऐसी फिल्में जो कुछ करने का जुनून दे। तो आज की वीडियो में 12 फेल मूवी जैसी ही जुनून से भरी टॉप 10 फिल्में लाया हूं जो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लोग बिना एक ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। नंबर 1 तारे जमीन पर, ये फिल्म आमिर खान के कैरियर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है और यही एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे आमिर खान ने खुद ही डायरेक्ट किया था और खुद ही नजर आए थे, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है कि हर बच्चा बहुत ही स्पेशल होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में 90 और 95% ही लाए। फिल्म में आमिर खान ने एक आर्ट टीचर की भूमिका निभाई है जो बच्चों को गाकर खिलाकर पढ़ाने में विश्वास रखता है, और जब इस फिल्म को लोगों ने देखा था तो बहुत से माता पिताओं की सोच बदल गई थी, जिसे 2007 में रिलीज किया गया और इसे 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 आई एम कलाम। 2007 में आई अवार्ड विनिंग फिल्म आई एम कलाम ने भी देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म में एक बच्चा जो ढाबे में काम करता है बट पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है, और वह देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी से मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके अंदर गुलशन ग्रोवर, हुसैन शाह जैसे कलाकार नजर आए थे। एजुकेशन बेस्ड फिल्मों में वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। अब उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, इसे जानने के लिए इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 आरक्षण। आरक्षण 2011 की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन बेस्ड फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार नजर आए थे। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसे कुछ लोगों द्वारा हमेशा विवादों के घेरे में लिया जाता है। पिछड़े और SC ST जातियों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण पर आधारित फिल्म में समझाने की कोशिश की गई है। सैफ अली खान, जिन्होंने दीपक कुमार की भूमिका निभाई है, जो गरीब स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग कराता है, इसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 नील बट्टे सन्नाटा। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो एक भाई की बेटी क्या बनेगी। एक हाई स्कूल की लड़की जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वह सोचती है कि वह बड़ी होकर अपनी माँ की तरह ही नौकरानी बनेगी। फिल्म में नील बट्टे सन्नाटा को अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला, पंकज त्रिपाठी और संजय सूरी जैसे मजे हुए कलाकारों ने अपना किरदार बाखूबी निभाया है। यह फिल्म माँ बेटी, शिक्षा और उनकी गरीबी के इर्द गिर्द घूमती है। यकीन मानो यह फिल्म आपके अंदर जोश भर देगी। फिल्म में ऐसे ऐसे सीन है दिल रोने पर मजबूर हो जाएगा। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 दसवीं। दसवीं फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर इंस्पायर्ड है। भले ही आपको अभिषेक बच्चन की एक्टिंग पसंद नहीं आती हो बट यकीन मानो इसके अंदर जरूर पसंद आएगी। गंगाराम चौधरी जो CM है बट उनको हुई है जेल, फिर क्या उनकी पत्नी बाहर उनकी जगह सत्ता चला रही होती है और गंगाराम जेल में दसवीं की तैयारी कर रहे होते हैं। इस फिल्म में एजुकेशन इम्पोर्टेंस को पॉलिटिक्स से जोड़कर समझाने की कोशिश की गई है। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, निमरत कौर, यामी गौतम जैसे कलाकार नजर आए थे। 7.5 की रेटिंग के साथ इसे आप नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 सुपर 30। सुपर 30 बिहार के आनंद कुमार के रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित, इसमें हमें कहानी देखने को मिलेगी बिहार के आनंद कुमार की, जिसका IIT में सिलेक्शन होने पर भी पैसे की वजह से नौकरी नहीं कर पाता, बट वह अपने जैसे गरीब लड़कों को खुद की कोचिंग खोलकर उन्हें IIT में सिलेक्शन के लिए कोशिश करता है। ऋतिक रोशन ने इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। ऋतिक रोशन के साथ साथ हमें इसके अंदर मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार नजर आए थे, जिसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 7 हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम इरफान खान और सबा कमर अभिनीत 2017 की एक बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म की कहानी एक कपल राजा और मीता की है, उनकी एक बेटी है। यह फिल्म हर उस भारतीय माता पिता की कहानी बताती है जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहते हैं, लेकिन महंगे स्कूल में दाखिला दिलाना आसान नहीं होता, इसलिए वे एडमिशन के लिए झूठ का अलग रास्ता चुनते हैं। देखना भाई, जरूर पसंद आएगी ये पिक्चर। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर इसे देख सकते हैं। नंबर 8 थ्री इडियट। वैसे इस फिल्म को बताने की कोई जरूरत थी नहीं भाई, क्योंकि इसे सभी लोग देख चुके होंगे, और जिसने नहीं देखा तो भाई जीने का क्या फायदा। तारे जमीन के 2 साल बाद साल 2009 में आमिर खान एक बार फिर एजुकेशन बेस्ड फिल्म थ्री इडियट्स में नजर आए। इस फिल्म का भी वही कॉन्सेप्ट था जो तारे जमीन पर में देखने को मिला, यही कि बच्चे का जिस विषय में ज्यादा रुझान हो उसे वही करने दे। ऐसे में 3 छात्रों पर आधारित फिल्म थ्री इडियट में आमिर खान ने यह भी बताया कि पढ़ाया कैसे जाता है। यकीनन इस फिल्म को देखने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो इस फिल्म से बहुत ही मोटिवेट हुए।
होंगे। नंबर 9 परीक्षा द फाइनल टेस्ट प्रकाश झा द्वारा निर्देशित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, संजय सूरी मुख्य भूमिका में। यह फिल्म भारत में शिक्षा प्रणाली पर आधारित है और रांची झारखंड में एक साधारण रिक्शा चालक की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बेटे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखता है। और यह फिल्म IPS अधिकारी अभयानंद की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और इसे 8 की IMDb रेटिंग मिली है। G5 पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं।